सेंटर है और ये काफ़ी पास से आया है, जो हमारा बरेली लोकेशन है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको दिखाते हैं लाइव, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए कमांड दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज और ग्रीन लाइट ब्लिंक करता है और ये प्रिंट पिक करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेड लाइट फिर से ग्लो कर गया, एक साथ दोनों LED ग्लो कर गया है, एरर की और रेडी की। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों, चलिए लाइव देखते हैं बिना कोई हिडन ट्रिक के और लाइव रिपेयर करेंगे इसे। ठीक है, ट्रबल शूट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम आता है दोस्तों, फ्यूजर के वजह से आता है। ठीक है, जो अभी दिखा रहा है, और एग्जिट असेंबली सेंसर की वजह से आता है। मैं अभी बिहाइंड द सीन बता देना चाहता हूँ, खोलो जरा इधर इधर का। तो ये कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल लाइव आज देखेंगे प्रिंटर कैसे ठीक होते हैं। तो अभी देखिए खोल रहे हैं, इनका नाम है दिनेश, फेमस कर। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंजीनियर है, कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं लिया हुआ है इन्होंने सर ने, तो ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं थोड़ा बहुत पार्टों को ख़राब करने के चक्कर में। तो इसलिए आराम से खोलिए इस पर थोड़ा सा फ्लैट बेड। ठीक है, तो देखिए प्रिंटर खुलता कैसे, कुछ ज़्यादा आपको ट्रिक की ज़रूरत, नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुल गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रिंटर को जब रेड लाइट दे ट्राई करें पिक करने के लिए पेपर। तो अब ये जो हमारा फ्यूजर का कनेक्टर है, मल्टीमीटर ले आइए और इस पर चेक करिए कितना इम्पीडेंस आ रहा है। पावर मेक श्योर आपका पावर अनप्लग्ड हो, ठीक है, और अनप्लग्ड होगा तो ही आप चेक करना, नहीं तो आपका मीटर भी ख़राब हो सकता है, आप करंट भी लग सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इम्पीडेंस चेक करेंगे, मीटर में हम चेक करेंगे। तो मीटर में हमारा देखिए बिल्कुल ओके, करेक्ट रीडिंग आ रही है। एक बार और सही से लगाइए, 50 से 90 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, एक बार दोनों टच करिए आपस में प्रॉब, कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है ना। दोबारा लगाइए, ठीक है, 50 से 90 के बीच में, लेकिन वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब बाहर निकल के चेक करना। आप चेक करिए जरा मल्टीमीटर में, भी देखिए कितना दिखा रहा है, 50 से 90 के बीच की वैल्यू दिखा रहा है, 85 दिखा रहा है, यानी कि ठीक है। ओके, अब देखिए इसका क्या करना है आपको, ये जो कवर है इसको खोलिए, उधर का भी खोलना होगा। तो एग्जिट असेंबली सेंसर चेक करेंगे अब, सेकंड, थर्ड हम क्या करेंगे, ईसीयू टेस्ट करेंगे। ईसीयू बिना कार्ड के हम कैसे कमांड दे सकते हैं प्रिंटर में, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खोलेंगे यहाँ से लॉक निकालने के बाद आसानी से। देखिए लॉक मिसिंग होने के बाद आप वहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, पेच वगैरह, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो ये हमारा 10-20 का प्रिंटर है, इसमें लाइव रिपेयरिंग ऑरेंज लाइट वाली इशू है, उसे हम रिपेयर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें दो सेंसर होते हैं, एक तो ये होता है, अगर ये टूट जाता है या काम नहीं करता है तो भी ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, दूसरा ये है, देखिए तो यहाँ से जैसे हम ये पेपर जाएगा तो ये, लेकिन परफॉर्म सही कर रहा है। ठीक है, और अभी इधर देखेंगे ये हमारा कनेक्शन सही लगा या नहीं लगा। ठीक है, और दूसरा ईसीयू का हम कनेक्शन यहाँ से देख लेते हैं, रस्ट वगैरह ना हो। ईसीयू का हमारा ऑलमोस्ट सही है, अब उसके बाद हम ये वाला एरिया खोलेंगे। ठीक है, कई बार कई केस में क्या होता है, देखो ये भी टूटा हुआ है, तो इन्होंने ये देखिए फिजिकली टूटा हुआ है, तो ये इंजीनियर ने किसी ने सही से काम नहीं किया, तो देखिए टूट गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल आसानी से खुलता है, बिल्कुल आप इस यहाँ पे एक्टिविटी से देख सकते हैं कि किस टाइप के इंजीनियर ने यहाँ पे खोला है, यहाँ पे लॉक तोड़ दिया है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए कि कैसे खोलना है। ओके, चलिए इसको खोलिए।
अब हम खोलते हैं स्कैनर। आपको कॉमनली समझना, 3 बजे से ये प्रॉब्लम आ सकता है। इश्यू स्कैनर, इश्यू तो मूवमेंट करा रहा है इंजन, लेकिन स्कैनर का हम केबल चेक करेंगे कि कनेक्शन इसका कैसा है, केबल की फिजिकल कंडीशन क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, अगर आप ये खोलने के बाद लॉक आपको प्रिंटर नहीं खोलना आता है तो आपको करना है, 2 लॉक होते हैं नीचे की तरफ में, उनको हमें प्रेस करना होता है तो फिर ये असेंबली बाहर आती है, ये वाली। ठीक है, लेज़र स्कैनिंग यूनिट की कवर है ये, इसे हम खोलते हैं। ठीक है, पीछे नीचे लॉक होती है, लॉक लॉक इधर नहीं, नीचे खोलो। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ पे लॉक होते हैं, वहाँ पे प्रेस करना होता है, इस साइड में देख, इस साइड में, अब इधर देखेंगे तो ये हाथ में आ जाएगा, ऐसे प्रेस करिए हो जा, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए आप निकल जाएगा आसानी से। अब बात आती है कि एक जो केबल हमारा ये कैसा है, इसको हम फिजिकली कंडीशन चेक करेंगे। तो फिजिकली यहाँ इस साइड का तो ओके है, दूसरे साइड का अब देखेंगे। ठीक है, दूसरे साइड का भी कैसा है। ठीक, चलिए सर, इस साइड का भी हमें ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। चलिए प्रिंटर ऑन करिए, चेक करते हैं रेड लाइट कट के और क्या बिहाइंड द सीन इशू हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पावर, फ्यूजर को पावर नहीं जाता तो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। ये देखिए हमारा प्रिंटर इंजन मूवमेंट करने लगा, लगा यूएसबी केबल। देखिए स्कैनर आपका ख़राब रहेगा तो ये हम कवर ओपन करके फिर इसे क्लोज करेंगे तो इंजन मूवमेंट करना चाहिए। इसका इंजन मूवमेंट किया तो स्कैनर ठीक, नहीं इंजन मूवमेंट किया तो स्कैनर ख़राब। ये ट्रिक टेस्ट पॉइंट होता है इसका। ठीक है, कोई भी प्रिंटर आपका हो, ठीक है, इंजन ज़रूर मूवमेंट करना चाहिए, नहीं मूवमेंट किया तो एरर स्टेट में। चलिए एक पेज लगा लीजिए, अथवा एक एंटर मार दीजिए ज़रा। देखिए यहाँ कमांड आ चुका है, अब देखते हैं उठाता कि नहीं। देखिए एरर आ गया। ठीक है, अब एरर आ गया फिर दोबारा सेम ट्रिप कर गया। ठीक है, तो वेट करते हैं, हम यहीं पे वोल्टेज चेक करेंगे रियल टाइम में, मल्टीमीटर लगाना याद हो आपको, एसी वोल्टेज पे रखना है। ठीक है, एसी एसी पे, एसी 600। ठीक है, अब ये देख दीजिए, अब इसको आप प्रेस करना। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करेंगे ये हमारा वोल्टेज कितना मल्टीमीटर में, जो हमारा 110 वोल्ट से लेकर रेगुलेट होकर 0 हो जाना चाहिए। चलिए प्रिंटर दोबारा बंद करके ऑन कीजिए, बंद करिए, ऑन करिए, अब ये दबाइए, ये देखिए 0-0 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी पावर नहीं आ रहा है। ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक होने के बाद भी यहाँ 0-0 आ रहा था, फ्यूजर को क्या हो रहा है, हमारा सप्लाई पावर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम खोलेंगे पावर सप्लाई को। ठीक है, हमने कुछ भी यहाँ पे तुक्का मारने वाला काम नहीं किया, ट्रबल शूटिंग टेक्निकली कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे खोलेंगे। ठीक है, इस केस में यही होता है और कुछ होता नहीं, बाकी तो हमने चेक कर लिया, फिजिकल इश्यू हमारा काम कर रहा था, स्कैनर भी हमने चेक कर लिया कवर ओपन करके क्लोज करने के बाद। तो अब सप्लाई फाइनली आते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, चलिए सप्लाई खोलिए, ये इश्यू हम ग्राउंडिंग का निकाल लेंगे। रुक जाओ इधर से, एक मिनट, इधर से हम लॉक को ऐसे उठाते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, और ये देखिए अब खोलिए, ये हम ग्राउंडिंग को निकाल लिए, ये आप सप्लाई खोलिए। ठीक है, तो सप्लाई दो कारण, सप्लाई फिजिकली भी डैमेज हो सकता है या कहीं से यहाँ ट्रैक वगैरह, ये जो हमारा कनेक्टर है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, फाइनली अंत तक देखते रहिए वीडियो, 100% जेन्युइन सोल्यूशन देते हैं हम। ये देखिए ये वाला खोलिए और ये खोलिए।
अब सप्लाई निकल जाएगी, कोई पेंच नहीं है। ठीक है, आपको इधर होता है तो ऑलरेडी खुला हुआ है क्योंकि R&D हुई है बढ़िया से पहले से। देखिए ये हमारी पावर सप्लाई है, प्रिंटर को थोड़ी साइड कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट साइड करिए प्रिंटर को। दोस्तों ख़ास तौर से पावर सप्लाई में क्या देखने वाली चीज़ होती है आप लोगों को बता दूँ यहीं पर हाथों हाथ। तो देखिए यहाँ पर फिजिकली टूटा हुआ है, देखिए इस एरिया को देखिए, फिजिकली डैमेज है। ठीक है, यहाँ पे और भी हम फिजिकली डैमेज देख लेंगे कहीं पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिजिकल डैमेज आप लोगों को दिख जाएगा। एक बार मैं फ्लैश जला के दिखाता हूँ, ये देखिए फिजिकली डैमेज है यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से हमारा जो है प्रिंटर रेडी नहीं हो रहा था। कहाँ पे फिजिकल डैमेज दोस्तों, तो ये जो हमारा 8PM की IC है, देखिए ये ट्रैक टूटा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रैक है, इस साइड से भी, इस साइड से भी देखिए, एक बार घुमा कर दिखाता हूँ, ये देखिए इस साइड से भी ब्रोकन है, देखिए। ओके, तो ये गलत एक्टिविटी की गई है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, देखिए ये इससे भी टूटा हुआ है, ये जो इसको यहाँ से हम बी पे, हाँ, और ये देखिए यहाँ पे भी टूटा हुआ है, ये देखिए देख रहे हैं यहाँ पे टूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपकी पावर सप्लाई इस केस में ख़राब है, आप रिप्लेस कर दिया जाए, इसी को रिपेयर कर दीजिए। तो ये टूटा हुआ कोई नहीं, ये तो हम रिपेयर कर देंगे, इसकी कोई वो टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे भी JT टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको रिपेयर करते हैं सप्लाई को भी, और इसमें इससे हम जंपर करेंगे। आप देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट में हम जंपर करेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट में। ठीक है, हमारा प्रिंटर हाथों हाथ रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सलमान जरा इस पे जंपर करना तुरंत सब। आयरन आयरन हीट है मेरा वाला चालू है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से कर लो। तो हम इस पे जंपर करेंगे और तुरंत लाइव दिखाएंगे, आपका प्रिंटर चल जाएगा, कोई इशू नहीं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप इससे और इस पॉइंट में जंपर कर लीजिए और इससे इस पॉइंट पर। ठीक है, जैसे प्रिंटर तुरंत चल जाएगा। चलिए हमारा देखते हैं, लाइव रिपेयर करते हैं सप्लाई को। तो एक बार फ्लैश बंद करते हैं जिससे बैटरी कम ड्रेन हो, ऐसा पकड़ना हाथों हाथ और तुरंत रिपेयर कर देते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा इस पर शोल्डर लगाना है हल्का सा, और इस पर भी लगाना है। ये हमारा आपस में ट्रैक जुड़ गया। ठीक है, और जो इसकी थी हमारी, इसमें से एक तार लेकर जोड़ देंगे, और दूसरी वाली जो इधर ट्रैक टूटी हुई है 23-24 वोल्ट को, हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक, ठीक है, ये हमारी जुड़ गई। और दूसरी चीज़ है, ये हमारी थोड़ा ड्राई शोल्डरिंग थी, हमने इसको कर दिया। ये गलत तरीके से होता है पैक करने से, जिसको नहीं पता होगा, वैसे ये टूटता नहीं है, तो यही केस होता है और कुछ नहीं होता है। हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% रिजॉल्व किया इस टाइप्स के प्रॉब्लम। तो मैं शेयर कर रहा हूँ ये फॉल्ट, एक जंपर लेके हम लगा लेंगे इस पर। ठीक है, एक वायर आपको ले लेना है इससे, इससे जंपर कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे, इससे इससे जंपर कर देंगे इसे, ये देखिए पॉइंट देख लिए कहाँ जुड़ा हुआ है, इससे इससे जंपर कर दिया। जल्दी लगा के देखते हैं, ठीक है, और फिजिकली कंडीशन देख लेंगे यहाँ पे। तो फिजिकली एक थोड़ा सा और दिख रहा है हमें, एक बार शोल्डर कर लेते हैं इस पर, इस वाले पॉइंट पे, एक इधर और एक इधर।
ये देखिए, ठीक है चलते हैं लगाते हैं। लो जी यादव जी, जरा लगवा तो आते पावर सप्लाई को। ऐसे लगाइए, मेन इतर लॉक्स में होता है, आपको भी देख के लगाना होता है। ठीक है पेच लगाइए, ठीक है लगाइए। सबसे पहले यहाँ जो अर्थिंग पॉइंट होता है, हाँ उसके बाद से यहाँ आपको लगाना है इस अर्थिंग पॉइंट पे। ठीक है चेक करके दिखाएंगे कि हमारा वोल्टेज कहाँ पे, कौन सा नहीं आ रहा था और कौन सा आना चाहिए था। आपको ने देखा था इस कनेक्टर पे लगाया था 600 वोल्ट एसी पे, लेकिन आया नहीं था हमारा वोल्टेज, और प्रिंटर भी हमारा इनिशियलाइज नहीं हुआ था, चला नहीं था। ठीक है तो यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं तुरंत, तो इससे आपका समय कम लगे। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, लेकिन जेन्युइन वीडियो आप जानते हैं कि कोई एडिटिंग ना हो, आपको भी देखने में कन्वीनियंट हो, आप लोग भी कर सकें, आपको भी कॉन्फिडेंस हो, इसलिए हमने वीडियो में एडिटिंग नहीं रखते हैं, जिससे कि कोई भी नया फ्रेशर इंजीनियर आप देख के कर सकता है पूरा वीडियो, जो इस टाइप के प्रॉब्लम हो। ठीक है क्या क्या चेक करना होता है, तो हमने यहाँ पर लगा लिया है, अब चलते हैं ऑन करके देखते हैं। ठीक है तो ये से भी हम ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर लो। ये देखिए हमारा जो है प्रिंटर को ऑन करेंगे, अब यहाँ से ये देखिए इनिशियलाइज होने लगा। अब वोल्टेज हम चेक करके यहाँ पर आपको दिखा देंगे। ठीक है चलो टेस्ट का मान दो, आप एक पेज लगाओ, टेस्ट कमांड दे दो। ठीक है ये देखिए देखिए, यहाँ पे पेपर उठाने के लिए ट्राई कर रहा है, ये देखिए पेपर उठा लिया, लेकिन पेपर जाम हो गया, कार्ट्रिज हमारा जाम हो गया। देखिए हमें पेपर जाम का एरर आ गया, लेकिन इस बार हमारा देखिए पेपर भी इन कर गया, तो हमारा कार्ट्रिज का भी फॉल्ट हो सकता है। तो हम कार्ट्रिज को क्या करेंगे, एक बार दोबारा लगा के चेक करेंगे। ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गियर असेंबली, क्या होता है कि जब इंजीनियर को पता नहीं होता तो 50 चीज़ें इसमें टेम्पर कर देता है, जिससे और भी जो सेकंड लोग इसे करते हैं तो इशू आता है उसमें। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे प्रेस, ये देखिए दोबारा इन स्लाइज होने लगा। ठीक है अब आप देखते हैं, ठीक है तो देखिए यहाँ पे दोबारा प्रिंटिंग उठा लिया, आगे बढ़ाओ प्रिंटर, अब रिट्राई करो, वहाँ से रिट्राई कर दो, देखिए वहाँ रिट्राई करेंगे दोबारा से हो जाएगा। ठीक है देखिए नीचे नहीं उठा रहा है, तो टिक टिक अप कर रहा है, अब दूसरा इसमें प्रॉब्लम आ गई। ठीक है पेपर उठा रहा है, लेकिन बट क्या कर रहा है कि इसमें आवाज भी कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये देखिए ये जो हमारी, एक बार दिखाता हूँ, एक बार पकड़ना है इसको, एक और फॉल्ट है इसमें, तो सेपरेशन पैड के अंदर ये आ गया है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्से को उन्होंने खोल दिया है, इंजीनियर ने ए वाले हिस्से को भी बंद कर दिया है। आप जान सकते देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर टेम्पर्ड हुआ है, तो एक बार आप थोड़ा सा उठाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये वाले हिस्से को खोलना होगा, जो नीचे इसकी स्प्रिंग होते हैं आपने देखा होगा, दो स्प्रिंग होते हैं, उन्होंने भी इसको निकाल लिया है देखिए। तो इस अगर हम इसको हटाएंगे तो ये प्रिंट तो आ तो जाएगा, बट ये क्या होगा, ये जाके सेपरेशन पैड को रोक दे रहा है इसका पेपर। ठीक है तो इस केस में ये एरर तो हट जाता है उस केस में, ठीक है, लेकिन ये स्प्रिंग यहाँ से मिसिंग है पूरी तरीके से। इन्होंने प्रिंटर में जो भी देखिए नीचे का पेज भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो खुद ही, तो इस केस में आपको ये भी देखना होता है। ठीक है वो जो हमारा प्रॉब्लम था टूटा वाला वो सॉल्व हो चुका है, बट ये वाली अलग मैटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।